Welcome to Global Enterprise Hub. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं सऊदी अरेबिया की छुट्टी कैसे चेक करें। आप अपने मोबाइल से भी छुट्टी चेक कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। दोस्तों सऊदी अरेबिया ने जितने भी पैसेंजर हैं जो सऊदी से बाहर हैं उनकी छुट्टी 2 जून तक बढ़ा दी है। और दोस्तों अभी तक किसी को पता नहीं है कि छुट्टी कैसे चेक करें, उनको ट्रेवल एजेंसी में जाने में काफी दिक्कत आ रही है। इसी के साथ साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अभी कोविशील्ड मान्यता है या नहीं है, सऊदी में जो क्वारंटाइन पैकेज है उनकी क्या क्या रेट है, डायरेक्ट फ्लाइट कब स्टार्ट होने वाली है, और अभी हम लोग सऊदी कैसे जा सकते हैं, कौन सी कंट्री से होकर जा सकते हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ में दोस्तों, और आगे भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो पहले हम गूगल में जाएंगे और गूगल में लिखेंगे ई सर्वे, गूगल में लिखेंगे दोस्तों डायरेक्ट, गूगल में आपको ई सर्वे टाइप करना है जिसमें कि आपको सऊदी का वीजा चेक करना है। तो सऊदी का वीजा चेक करने के लिए आपको गूगल में लिखना है ई सर्वे, ऊपरी ऊपर आपको लैंग्वेज चेक कर लेनी है कि अरबिक है या इंग्लिश। आप यहाँ पे इंग्लिश लेके आ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश लगा दी है पहले से ही, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंग्लिश लगा चुकी है, और आप यहाँ से अरबिक भी कर सकते हैं। और आपके पास अकामा नंबर वीजा नंबर होना चाहिए, आप यहाँ पे अकामा नंबर टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने अकामा नंबर टाइप कर दिया, और दूसरा मैंने साथ में अकामा नंबर आपकी पूरी संख्या में टाइप होना चाहिए दोस्तों, अकाउंट नंबर टाइप कर दिया, पासवर्ड नंबर होना चाहिए, पासवर्ड नंबर टाइप कर दिया आपने यहाँ पासवर्ड नंबर, उसके बाद में आपको चेक पे क्लिक करना है। जैसे आप चेक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल आ जाएगी इस तरीके से, ये आपकी डिटेल आ गई सामने, जैसे अकाउंट नंबर और वीजा नंबर डाल दिया आपने, और इसके बाद में चेक पे क्लिक कर दिया आपके सामने नाम आ जाएगा और आपका वीजा एक्टिव है। इसका मतलब आपकी छुट्टी अभी तक बढ़ी हुई है। और आगे जो डिटेल आप स्क्रॉल कीजिए, स्क्रीन को थोड़ा नीचे की तरफ कीजिए, यहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा कि आपका यहाँ नाम आ गया, आपका पासवर्ड नंबर आ गया, और आपकी छुट्टी 21/2021 और जुलाई 21 तक आपका वैलिड है। इसका मतलब आपके पास अभी तक टाइम है सऊदी जाने के लिए। तो दोस्तों आगे भी आप इस चीज के बारे में जान सकते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम बताने वाले हैं आपको कि सऊदी अभी जो हमारे पास जो सऊदी जाने के लिए पैकेज है वो ताशकंद से 210,000 रुपए, रशिया से 150,000 रुपए, और जॉर्जिया से 245,000 रुपए। बहुत जल्दी में दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से पैकेज में आप जाने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी डायरेक्ट फ्लाइट भी स्टार्ट होने वाली है, जो कि वाया नेपाल का पैकेज भी आने वाला है, बहरीन का भी अभी ताजा नया पैकेज आने वाला है, दुबई का भी पैकेज आने वाला है। और नेक्स्ट है कि दोस्तों अभी सऊदी ने सारे जो काम है, छोटे छोटे काम है, जैसे नया वीजा निकालना हो गया, और दूसरा क्या नाम है, वीजा स्टाम्पिंग हो गया, और एम्बेसी भी ओपन हो गई है, इसी तरीके से सारे जो टूरिज्म वीजा है वो भी स्टार्ट कर दिए है। और नेक्स्ट इसी के साथ है सऊदी और इंडियन एम्बेसडर के बीच में बात हुई कि कब फ्लाइट स्टार्ट होगी और कौन सा इंजेक्शन हमें मान्यता है, कोविशील्ड मान्यता है या नहीं है। दोस्तों अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि कोविशील्ड के एक डोज चलेगी या दो डोज है, लेकिन जो इससे अपडेट आएगी हम आपको बता देंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मिलता रहे। नेक्स्ट है कि सऊदी ने केवल ये 4 इंजेक्शन वो प्रिफर किए हैं। और नेक्स्ट है कि अभी सऊदी ने क्या किया है कि जो जितने वहाँ के लोकल लोग हैं और जो अपने लोग हैं वहाँ पे, आप इंजेक्शन लगाए बगैर 1 तारीख के बाद में किसी कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं। और ये है कि वहाँ के दमाम और रियाद और जिद्दा के जो पैकेजेस है, क्वारंटाइन पैकेजेस है, बहुत ही एक्सपेंसिव है दोस्तों। अगर आप 2 डोज लगा चुके हैं तो आपको जरूरत नहीं है ये पैकेज लेने की। और इसी के साथ साथ हम लोग बताते हैं कि आपके लिए अच्छी खबर आ सकती है 1 जुलाई के लिए, डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो सकते हैं इंडिया से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए, और भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आने वाली है गल्फ के बारे में, बहरीन के बारे में, कुवैत के बारे में, दुबई।